हाय गाइस, आप एक्टर बनना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, या बनना चाहते हो टीवी एंकर, पत्रकार, या सुप्रीम कोर्ट का जज, या कोई भी बड़ा साइंटिस्ट? तो देर किस बात की? आपको लग रहा होगा कि आपको किसी कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत है, या पुणे इंस्टीट्यूट में फिल्म एकेडमी में जाने की ज़रूरत है, या किसी फिल्म में काम करने की ज़रूरत है। ना 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 ना, आपको कुछ नहीं करना। आपको किसी गेस्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना है, वो मीडिया के चैनल में आपको बिठाएगा और आप पे लग जाएगा सोशल एक्टिविस्ट, अभिनेत्री का टैग। आपने फिल्में करी हो या ना करी हो, आपका फिगर हो या ना फिगर हो, ना आप प्लस साइज मॉडल हो ना आप नॉर्मल फिगर की मॉडल हो, लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, या फिर कुछ भी, इवन डॉक्टर, डेंटिस्ट, क्या जाता है बोलने में, आपके आगे टाइटल लगा दिया जाएगा। आप ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस बनके अपने इतने बड़े मुंह के साथ, झुर्रियों के साथ बैठ के अपने आप को एक्टर बोल सकते हैं, कुछ भी, और किसी भी एक्ट्रेस की आप इंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी मीडिया चैनल आपकी इंसल्ट करा सकता है, आपको नीचा दिखा सकता है, देह व्यापार की वकालत कर सकते हैं। आप वकील बनना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर बैठ कर बिना डिग्री के भी वकील बन सकते हैं, बिना डिग्री के आप अभिनेत्री आपको बना के आपको वकालत करवा सकते हैं। ड्रग की वकील आप बन जाइए, आप टेररिज्म को सिंपथाइज करिए, देह व्यापार को सिंपथाइज करिए, और यहां तक कि आप किसी भी गलत बात के लिए, देश की जो भी गलत बात देश के लिए कर रहा हो, उसके साथ आप खड़े होके मजबूती से खड़े रहिए और कहिए तुम कौन होती हो बोलने वाली, तुम्हें कुछ पता नहीं है। भले आपने 22 पिक्चरों में काम करा हो, खैर आप चिरंजीवी की बेटी नहीं हो, नॉर्मल पिक्चरों में भी आपने अगर काम करा है लीड में या करेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर भी, तो भाई आपकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत उन्हीं की है जिनको स्क्रीन पे फ्रेम दिया जाएगा और जिनको टाइटल देके बिठाया जाएगा। और बड़ी अभिनेत्री, बड़ा वकील, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बना सकते हैं आपको, बशर्त है कॉलेज की डिग्री नहीं। अब माँ बाप के पैसे भी बच जाएंगे और आप सीधे डॉक्टर, साइंटिस्ट, अभिनेत्री बन जाएंगे। तो आइए आज ही किसी गेस्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें और ऐसे एक्ट्रेस बनके, अभिनेत्री बनके, मॉडल बनके आप बैठिए। भले आपकी कमर कमरा हो, आप आंटी नुमा भाभी दिख रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक युवा खूबसूरत अभिनेत्री बनके आप बैठ सकती हैं। इसी संदेश के साथ दोस्तों, आज ही कांटेक्ट करें, किसी कॉलेज में नहीं, किसी लॉ कॉलेज में नहीं, किसी पुणे फिल्म एकेडमी इंस्टीट्यूट में नहीं, ना ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, ना मॉडलिंग में पैसे क्लिक करने की, ना फोटोशूट करने की ज़रूरत है। आपको संपर्क करना है किसी भी चैनल में और थोड़ा सा मीठी मीठी बातें करनी है, या किसी नेता के संपर्क में आना है, वहाँ से आप किसी होटल में जाइए, कहीं जाइए, रातें रंगीन करिए, उसके बाद आप आइए। आपको सोशल एक्टिविस्ट, आपको अभिनेत्री, कुछ भी बना के बिठाया जा सकता है। तो ऑल द बेस्ट। मैंने 10 साल बर्बाद करे इस इंडस्ट्री में, टीनेज में आ गई थी। आप मत करिएगा, आपके लिए आज आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बाद आपके लिए ये राय है। हमें सब कुछ पता है लेकिन उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं पता है। शाहरुख का बेटा ना हो गया, मेरा बाप हो गया, मैं उसके बारे में क्यों पढ़ूं? मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि मैं उसकी वकालत क्यों करूं, मैं नशे की वकालत क्यों करूं, मैं एक सामान्य इंसान हूं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आया तो आप बताना, और प्लीज़ ये आपको कैसा लगा ये भी बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। ऐसे ही बनिए, चैनल पे बैठिए और देखिए। पर इनसे सवाल मत पूछिए कि आपने कौन सी पिक्चर में काम करा है, आप क्या करते हैं, या आप कौन से डॉक्टर, या कौन से, सिर्फ एक 5,000 का एनजीओ रजिस्टर करा लीजिए, पहले डिबेट में आ जाइए, उसके बाद आप सोशल एक्टिविस्ट बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट। लेकिन अब मैं ऐसी डिबेट में नहीं जाऊँगी। बाय।